हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। आप ये भी जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 9000 से ज़्यादा हो चुकी है और इसमें मरने वालों की संख्या भी 300 को पार कर चुकी है। आपको ये भी पता है कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग भी हो रही है। खबरें भी ऐसी सामने आ रही हैं। इस दौरान हम आपको ये भी बता दें कि IPL का सीज़न होना था लेकिन वो भी पोस्टपोन्ड है और ये पता नहीं है कि ये सीज़न कब शुरू हो पाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि IPL के बड़े कामयाब खिलाड़ी सुरेश रैना के बारे में उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना वायरस भारत में भी कोहराम मचा रहा है। देश में इस महामारी के कुल मामलों की संख्या 9000 के भी पार पहुंच चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। चीन से आई इस महामारी को देखते हुए सरकार 14 अप्रैल तक किए गए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 14 अप्रैल के बाद भी IPL होना काफी मुश्किल है और सरकार के इस संकेत से साफ हो चुका है कि अब 14 अप्रैल के बाद भी IPL नहीं खेला जा सकता। इसी बीच आज हम आपको सुरेश रैना के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सुरेश रैना के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसे विराट कोहली क्या खुद हिटमैन रोहित शर्मा भी नहीं तोड़ पाए हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी तो रैना के इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे सुरेश रैना टीम इंडिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे, T20, IPL और CL T20 में शतक जड़ा है। IPL में भी सुरेश रैना विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि CL T20 यानी कि चैंपियंस लीग T20 IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का एक आइडिया था और इसके तहत बिग बैश लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और भी जो विदेशों में लीग थी जिनकी कामयाब टीमें थी वो आपस में भिड़ती थी और उसका संग्राम होता था चैंपियंस लीग T20 में। 2009 में इसका पहला सीजन आयोजित किया गया था लेकिन 2014 के बाद इसे बंद कर दिया गया और इस लीग में भी सुरेश रैना ने अच्छा खासा धमाल दिखाया है। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने CL T20 यानी चैंपियंस लीग T20 का आइडिया दिया था जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत कर जमीनी स्तर पर लाया गया। इस टूर्नामेंट में IPL के अलावा BBL, CPL जैसे टूर्नामेंट्स की टीमें शामिल थी। CL T20 को साल 2008 में लॉन्च किया गया था और साल 2009 में इसके पहले सीजन का आयोजन किया गया। हालांकि लोकप्रियता में कमी, अस्थिर प्रायोजन और अन्य वजहों से इसे जल्दी बंद कर दिया गया। CL T20 का आखिरी सीजन साल 2014 में खेला गया था। उसके बाद इस टूर्नामेंट को कभी शुरू नहीं किया गया और ना ही अभी तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई योजना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।